व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता। तो इंटरनेशनल लेवल पर सब ह्यूमन को एकजुटता के साथ में रहना चाहिए, उसी को एकता को बढ़ावा देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दिन एक तरीके से अवेयरनेस पैदा करता है, किस तरीके से हम लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग जो वर्ल्ड के इश्यू है, जिस तरीके से टेररिज्म हो गया, पुअर्टी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इस तरीके के इश्यू है, साइबर क्राइम हो गया, जिनसे हम एकजुट होकर सबसे इन सबसे निपट सके। ठीक है, तो यही दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग एक साथ मिलकर प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल सके और जो हम एक दूसरे के साथ में मिलकर खुशियों को भी बांट सके। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 20th of December को। ओके, तो आप लोग भी इसी तरीके से मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और इंजॉय कीजिए लाइफ को। छोटी सी लाइफ है, बिल्कुल खुश रह के इंजॉय कीजिए। और देखिए, मैंने सारे SMS पढ़े आप लोगों के, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोगों को काफी फायदा हो रहा है। जो मॉर्निंग में 4 AM ये मैगजीन प्रोग्राम आता है, जो मॉर्निंग में देखते हैं मॉर्निंग में इंजॉय कीजिए, और जो इवनिंग में देखते हैं किसी और टाइम देखते हैं उस टाइम इंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन जो अपना प्लान अच्छे से बनाना चाहते हैं मॉर्निंग में उठकर और चीजों को करना चाहते हैं प्रॉपर वे में, उनके लिए ये मॉर्निंग से ही मैं डेली इसको डालूंगा और इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, टाइम यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। कई सारे स्टूडेंट्स ने, एक दो ने कमेंट किया था कि टाइम सर टाइम थोड़ा चेंज कर दीजिए क्योंकि वो नहीं उठ पाते हैं। तो देखिए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं उठ पाते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी अच्छा है। मतलब आप लोगों के लिए पहले ही आप लोगों को, मतलब 5 बजे किसी को उठना है, 6 बजे उठना है किसी को, तो उनके लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल ये रहती है। ठीक है, ये बस उनके लिए थोड़ा मॉर्निंग में मैं डालता हूँ, जिनको उठने में कोई प्रॉब्लम होती थी, तो एक मीडियम मिल जा रहा है। और कोशिश कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है किसी का आंसर, आप लोग भी एक दूसरे का आंसर भी दिया कीजिए यहाँ पर, और मिलजुल कर चीजों को एंजॉय कीजिए। ओके, तो आज 20 दिसंबर है, देख लेते हैं नैनो मैगजीन के अंदर। पहले हम डिस्कस करेंगे PIB के बहुत सारे आज आर्टिकल्स हैं, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर योजना का आर्टिकल। ओके, और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और जो पुराने क्वेश्चन दिए थे मैंने उनके आंसर भी आप आज लोगों को जानने को मिलेंगे। फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं आज का, ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट USA में बेस्ड है, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड इंडेक्स निकालते हैं ये, ग्लोबल रीजन और नेशनल लेवल पर सारी चीजों को चेक करते हैं। इंडिया की जो रैंक है वो 100 आई है 119 कंट्री में, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग बॉटम में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे यहाँ का हंगर इंडेक्स सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस 4 इंडिकेटर पर किया जाता है, इनके बेस पर यहाँ पर नापा जाता है। सबसे पहले तो देखा जाता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो कैलोरी है वो इनटेक इनसफिशियंट है, मतलब कैलोरी जितनी हम लोगों को लेनी चाहिए उतना हम नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर बोली गई है, ये देखा जाता है कि देखिए जो बच्चों का वेट होता है उनकी हाइट के कंपेयर में बहुत कम होता है। तीसरा देखा जाता है जो बच्चों की हाइट होती है उनकी एज के कंपेयर में बहुत कम होती है। और तीसरा चौथा देखा जाता है यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मतलब जो डेथ हो जाती है under 5 एज के जो बच्चे रहते हैं उनकी, तो उन पर फोकस किया जाता है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा हमारा इंडेक्स रह गया यहाँ पर 119 कंट्री में से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सफाई देने के लिए अपनी अपनी बातें यहाँ पर बोली है। उन्होंने क्या बोला है कि देखिए जो ग्लोबल हंडर इंडेक्स जो हमारा गलत रहा है, हम फिर भी बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं पर लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो रहा है। पहला आप लोग देख सकते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS है, यहाँ पर टारगेट किया जाता है फूड सिक्योरिटी के तहत भी कि हम इनको फोकस देकर चलेंगे, पर्टिकुलर ये एरिया हम कवर करेंगे। देखिए जब बात करते हैं यहाँ पर फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट पे यहाँ पर आता है निकल के 70% आप लोग बोल सकते हैं जो यहाँ पर रूरल एरिया को कवर किया जा रहा है, और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। टोटल अगर 70 और 50 को मिला दे तो टोटल पॉपुलेशन का 2/3 यहाँ पर कवर किया जा रहा है, मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर कवर करके चीज चली जा रही है। इसके अंदर में यहाँ पे प्रोवाइड क्या कराते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है 3-2-1, मतलब 3 किलो 3 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से और 1 रुपए के हिसाब से राइस व्हीट एंड जो कोरस ग्रेन होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है जिससे कि सबको एक तरीके से अच्छी डाइट मिल सके। पर लेकिन वो फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तभी तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। वरना 2013 से आप लोग देख सकते हैं ये हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, और आज हम 2017 में खड़े हैं, आज भी हालत हमारी खराब है। 100 रैंक है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो चीजों को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और भी कई सारे यहाँ पर चल रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड अगर स्कीम की बात करी जाए तो मिड डे मील स्कीम हो गया, इसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स हो गया, और अन्नपूर्णा स्कीम है, तो बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर चला रखी है। तो देखिए किस तरीके से चीजों को कम करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। स्कीम्स तो आती है पर लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होती है, प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। वुमेन और चिल्ड्रन पर भी बहुत फोकस रहता है इन स्कीम्स का। ओके, तो ये था यहाँ पर कंप्लीट आर्टिकल, इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को किसने पब्लिश किया और क्या क्या चीजें हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर बैम्बो के बारे में, जो बांस जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे प्रोडक्ट उससे बनाए जाते हैं। टोकरी वगैरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से मुड्ढे वगैरह और ये सब, छतरी छत वगैरह, तो बहुत सारी तरीके से इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। तो बैम्बो के बारे में आर्टिकल है, बैम्बो के बारे में आर्टिकल क्यों आया तो आप लोगों को अभी जानने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही हो सकता है, खासकर एग्रीकल्चर से कनेक्टेड जो चीजें हो जाती हैं। तो बैम्बो को बात की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट करने की, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बैम्बो को ट्रांसपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जी हाँ 1927 मतलब बाबा आदम के जमाने का है, अब तक इसको चेंज नहीं किया गया है। हमारी कंट्री में देखिए आधी चीजें तो अंग्रेजों के टाइम की पड़ी हुई है, आज भी ऐसी की ऐसी चल रही है। आप लोग एक्ट ले सकते हैं, सीधा साधा एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी हुआ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है। देखिए वैसे जो होता है यहाँ पर, अगर बैम्बो की बात की जाए तो वैसे ये घास के रूप में आता है, ठीक है ना, अगर इसको टैक्सोनॉमिकली हम लोग देखें, पर लेकिन अगर हम एक्ट के तहत देखें, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है इसके तहत इसको ट्री बोला जाता है। तो दो तरीके से हमारे यहाँ पर ट्री आते हैं, एक तो होता है फॉरेस्ट में ट्री जो, और दूसरे होते हैं जो ट्री होते हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा आसपास वाले एरिया में, जैसे सड़कों पर पेड़ हैं या फिर आप लोग देख सकते हैं किसी घरों में पेड़ है, तो ये नॉन फॉरेस्ट वाले पेड़ होते हैं, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में ट्री इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू है उसको तो ट्री का ही दर्जा माना जाएगा, पर लेकिन जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहां से इसका ट्री का दर्जा हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए पेड़ काटना हमारे यहाँ पर एक गुनाह है, और पेड़ अगर कोई काटता है इलीगल वे में तो उसको दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है अगर इसको नॉन फॉरेस्ट एरिया में पेड़ के दर्जे से बाहर निकाला जाएगा तो इसे आसानी से काट कर इसको बेचा जा सकता है, आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। तो इससे क्या रहेगा, एक तो कल्टीवेशन बढ़ेगा काफी अच्छे लेवल पर, ऊपर से जो हमारे किसान है उनकी इनकम भी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो उसके बेस पर देखिए फिर इसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वरना अगर ट्री के दर्जे में इसको रखा जाएगा तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं है। तो बात क्या की जा रही है, बात यही की जा रही है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत यहाँ पर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आए। तो ऑर्डिनेंस के तहत जो सेक्शन 27 था यहाँ पर, ये इतनी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख सकते हैं आप लोग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, ऑर्डिनेंस लेके आए यहाँ पर, जो बांस है जो बैम्बू है उसको ट्री की डेफिनेशन से हटाया जा रहा है नॉन फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, पर लेकिन फॉरेस्ट एरिया में ये ट्री का ही दर्जा इसका रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत सारे इस तरीके कंफ्यूजन के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और आप लोग जरा सी देर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मेनली जो फोकस किया जा रहा है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में फोकस किया जा रहा है, वहां पर इसका ट्री का दर्जा हटाया जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया में ट्री का दर्जा ही रहेगा। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, एक मतलब वो उनकी और ज्यादा दादागिरी यहाँ पर बढ़ सकती है। और कौन डिसाइड करेगा कि ये पेड़ मान लीजिए कहीं से लेके आया जा रहा है, तो कैसे उसको डिसाइड किया जाएगा किस एरिया से काट के लेके आए हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इंप्लीमेंटेशन में खासकर। तो देखिए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो तो आगे देखने को मिलेगा, अभी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बताई, याद रखिएगा। बात आती है पोल्यूशन की, तो आप लोग समझ सकते हैं ओड इवन और पता नहीं पटाखे नहीं छुटाना दीपावली पे, या फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है कि मतलब किसानों को, मतलब ये जो अपने खेतों में घास फूस जलाते हैं उनको मना किया गया, कंस्ट्रक्शन एरिया पे भी थोड़ा फोकस दिया गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है। पर लेकिन देखिए चीजें बहुत सारी हैं हमारे पास में, लाभ बहुत सारे हैं, प्रोविजन बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है, कौन कौन सा पहले बना है फिर उसके बाद में कौन सा बना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, तीसरा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये वाटर के लिए हो गया यहाँ पर, ये एयर के लिए हो गया, ये यहाँ पर हो गया एनवायरमेंट के लिए। बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की, तो यहाँ पर है नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि नॉइस पोल्यूशन किसके तहत आता है, ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही आता है 1986 के तहत, ओके। तो यहाँ पर बात की क्या की जाती है, किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करना है किसी भी तरीके का पोल्यूशन, और बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा डाउन रहती है, जो कि हम लोग बार बार नाप चुके हैं और आप लोगों को न्यूज़पेपर में ये डेली अपडेट देखने को मिलती है। सेंट्रल लेवल पर सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली में, और अलग अलग स्टेट में भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखने को मिलेंगे। पर लेकिन बात वही आती है निकल दिकल के लास्ट में कि आप लोग कितना इन पर फोकस देकर चल रहे हैं और कितना चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लेकर आए गए यहाँ पर, किस तरीके से एयर की क्वालिटी का इंडेक्स बताया जाएगा, 0 से अगर 50 के बीच में है। पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है मिनिमम यहाँ पर 0 है और मैक्सिमम यहाँ पर 500 है, इसके बीच में आप लोग देख सकते हैं गुड हो गया, मॉडरेट हो गया, अनहेल्दी हो गया, बिल्कुल ही कहानी खराब हो गई, और भी ज्यादा कहानी खराब हो गई यहाँ पर, तो ये समझ लो मर गए, ठीक है। और हम लोग इस रेंज में आज की डेट में दिल्ली में सांस ले रहे हैं,
समझ सकते हैं आप लोग, ये रेंज यहाँ पर चल रही है नॉर्मली, जो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, खासकर जो एज हो गए हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बात कर सकते हैं। मैंने आप लोगों एक आर्टिकल में बताया भी था कि हमारे यहाँ पर अगर लंग की बात की जाए तो वो बहुत छोटे पाए जाते हैं जो नए बच्चे होते हैं, एज कम्पेयर टू यूएसए और दूसरी कंट्री में, इतना ज्यादा पॉल्यूशन का इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर ये इसका पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है, ऐसे ही ऐसे यहाँ पर ये बीमारी का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। लास्ट वाली इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आज की डेट में हम लोग रह रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे स्टेप लिए थे कि दिवाली पटाखे मत छुटाओ, या फिर जो यूपी और पंजाब वाले एरिया में जो किसान जो खेतों में पाल वगैरह जलाते हैं उसको न जला जाए, तो ये प्रोविजन इसीलिए यहाँ पर लिए गए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पहुंच चुकी थी। ओके, तो ये पता होना चाहिए आप लोग, खासकर ये इंडेक्स का कितना कितना रेंज यहाँ पर क्या क्या है ये मैच करने के लिए आ सकता है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, रक्तदान को महादान माना जाता है, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी पूर्ति नहीं होती है हमारी कंट्री का। वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए, अगर WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो अगर 2-3% पॉपुलेशन डोनेट करती है ब्लड को तो रिक्वायरमेंट कंट्री की आराम से कंप्लीट की जा सकती है। ओनली 2-3%, मतलब 1-3% के बीच में अगर पॉपुलेशन जो है, हम जैसे इंसान अगर हर अपने बर्थडे पर या फिर हर न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर, देखिए आप लोग अपना रिजोल्यूशन ले सकते हैं और कुछ इस तरीके भी काम कर सकते हैं, जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर पे ब्लड डोनेट करना है, ठीक है, तो कई सारे तरीके का सेलिब्रेट करने का चीजों का तरीका होता है, तो आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात बोली जा रही है, अगर 1-3% तक पॉपुलेशन डोनेट कर दे तो किसी को भी कभी फोन की जरूरत नहीं, कमी महसूस नहीं होगी, हर टाइम अवेलेबल होगा, पर लेकिन ये ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस भी यहाँ पर जनरेट करना चाहता हूँ। देखिए जो ब्लड वगैरह है वो रेप्यूटेड जो सेंटर है वहीं पर जाकर दिया कीजिए, वरना ब्लड की तस्करी भी बहुत ज्यादा होती है। कोई भी एक गाड़ी लगा के बैठ जाते हैं, उसको ब्लड दे देते हैं आप लोग, तो वो उसका फिर बेच देते हैं और उसे पैसे कमाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रेप्यूटेड किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ही आप लोगों को ब्लड को अपना डोनेट करना है, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, ये आप लोग मिनिस्ट्री का नाम याद रखते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हेल्थ की बात आती है, मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई थी जब मैंने आप लोगों को सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वाला लेक्चर लिया था। जिसने लेक्चर नहीं देखा है, सारे लेक्चर के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें रटनी नहीं है, जो न्यूज में आ रहा है उसका याद रख लीजिए। जिस तरीके से हेल्थ आज याद कर लिया आप लोगों ने, स्टेट लिस्ट में आ गया, कोई अगर कभी न्यूज में आ रहा है तो उसको देख लीजिए किस लिस्ट में आता है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को याद रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर बात की जा रही है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सपोर्ट दी जाएगी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सेंटर के द्वारा, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ब्लड बैंक को बनाया जा सके। सुल्तान मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरीके से ब्लड बैंक बनाने की बात करता है वो अपने गाँव वाले एरिया में, तो इसी तरीके से ब्लड बैंक बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी की। तो देखिए ये पब्लिश की गई है NNS नीति आयोग के द्वारा 2017 की, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लान भी है, आप लोग देख सकते हैं विजन 2022, तो कुपोषण मुक्त भारत बनाने की बात की जा रही है। अब देखिए 2020 तक क्या क्या काम करेंगे वो तो देखने को मिलेगा, 2022 तक, हाँ 2022 तक ही जो फार्मर है, जो किसान है, उनकी इनकम भी डबल करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर कुपोषण मुक्त भारत करने के लिए बोला जा रहा है, टारगेट अच्छे अगर अचीव कर लिए जाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा ग्राउंड लेवल पर। ओके, तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है, 3% हर साल यहाँ पर रिडक्शन किया जाएगा जो अंडरवेट चिल्ड्रन होते हैं, मतलब अंडरवेट चिल्ड्रन को कवर करने की कोशिश की जाएगी 0-3 ईयर के जो रहते हैं 2022 तक। सेकंड बात क्या की जा रही है, एनीमिया, ये होता है खून की कमी, तो बच्चों में जो खून की कमी हो जाती है या फिर एडोलेसेंट या फिर वोमेन के भी उनमें, तो उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरीके से गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना है, प्रायोरिटी वाला एरिया क्या क्या रहना है, इनोवेशन किस किस एरिया में करना है, और कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग यहाँ पर रहेगी, मतलब जिस एरिया में चीजें इंप्लीमेंट होएंगी वहां पर कम्युनिटी खुद उसको मॉनिटर करेगी, तो ज्यादा बेटर रहता है कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2022 तक ये मिशन आप लोग याद रख सकते हैं, जो इनका विजन है कुपोषण मुक्त भारत, ठीक है। और ये दो टारगेट भी आप लोग याद रखिएगा, और नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की गई है। ओके, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इंडेक्स है यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017। तो इंडिया की रैंक जो है यहाँ पर 2017 में 60 है 127 कंट्री में, जो लास्ट ईयर थी यहाँ पर 66 थी, तो कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रूप में। 2017 की बात यहाँ पर की जा रही है, देखिए फोकस किया जाता है किस तरीके से इनोवेशन पे ज्यादा फोकस देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस देना है। नीति आयोग के हिसाब से भी देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड द प्रमोशन, तो इसके तहत अगर देखा जाए, इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ये दोनों ने मिलकर इनोवेशन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी लॉन्च किया है, जिसके तहत यहाँ पर चीजें देखी जाती है
कि किस तरीके से यहाँ पर इनोवेशन हमारी कंट्री में हो रहा है और सबसे बड़ी बात क्या की जा रही है इसके टाइम पर। ये यहाँ पर कंट्री का फर्स्ट ऑनलाइन आप लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है, जिससे यहाँ पर आप लोगों को हर एक स्टेट का टाइम टू टाइम रियल टाइम में, रियल टाइम का मतलब है जिस टाइम आप लोगों के साथ में बातें की जा रही है, मतलब जिस टाइम में आप लोगों को बोल रहा हूँ उसी टाइम आप लोगों को सुने, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मैं लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो वो रियल टाइम में होता है, जो उस टाइम पर मैं बोलूंगा तभी के तभी आप लोगों को सुनाई देगा, ठीक है। तो ये बातें होती हैं रियल टाइम में, तो रियल टाइम में यहाँ पर अपडेट होगा, मतलब सब कुछ यहाँ पर अपडेट होता रहेगा उसी टाइम पर, तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। इसके अलावा देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इम्प्रिंट, ये एक इनिशिएटिव चलाया गया था जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा आईआईटी और जो यहाँ पर जो आईआईएस जो यहाँ इंस्टीट्यूट है यहाँ पर उन सबके द्वारा यहाँ पर ये इनिशिएटिव मिलाकर चलाया गया था, जिसमें काम किया गया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो साइंस से रिलेटेड इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ पर चैलेंजेस है उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा। इसके अलावा उच्चतर आविष्कार योजना भी आप लोग देख सकते हैं, ये सब इनोवेशन पर फोकस देने की योजनाएं हैं, जिसके तहत यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं इंप्रूव वर्जन देखने को मिला हमारे यहाँ पर इंडेक्स का। तो ये कुछ इंडेक्सेस होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऐसी कुछ हरकतें आप लोगों के साथ ही बचपन में हुई होगी और आज की डेट में भी आप लोगों को ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि बच्चे से ज्यादा उसके बैग का वजन होता है, ठीक है। तो इसी को कम करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि इसको कम किया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है कि दो बुक्स रखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की क्लास 1 और 2 के लिए, और 3 बुक्स रहेंगी यहाँ पर क्लास 3rd to 5th के लिए, मतलब 3 से 5 के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर वहां पर जो 3 से 5 के लिए रहेंगी वो रहेंगी लैंग्वेज इन्वायरमेंट स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, तो ये किताबें रखी जाएंगी। इसके द्वारा CBSE के द्वारा भी कुछ डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं खासकर 2nd क्लास तक, तो उनके लिए क्या रहेगा कि कोई भी बैग लेकर स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है, बर्डन कम किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय आप लोग इसके तरीके से मतलब सबने अलग अलग अपने प्रोविजन निकाले हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपना एक मतलब निकाला है यहाँ पर प्रोविजन, जिसके तहत बोला जा रहा है कि सबको टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर टैबलेट जिसके पास में रहेगा, आप लोग जिस तरह फोन किसी के पास में है तो काफी कुछ इंजॉय कर सकता है, एक ही जगह सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से टैबलेट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर दिया जाता है तो वो एक तरीके से किताब का काम करेगा और कुछ भी बच्चों को ये जो वजन लेके चलना पड़ता है उसकी भी प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट जो निकल के आता है ये आता है कनकरेंट लिस्ट में, 7th शेड्यूल में यहाँ पर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट, तो कनकरेंट लिस्ट के तहत ये सब्जेक्ट आता है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल ये फोकस करने वाला है भारत बांग्लादेश इंडिया वो सॉरी भारत बांग्लादेश भूटान एंड नेपाल, भारत और इंडिया दोनों एक ही नाम ले दिए, ठीक है। तो इन पर फोकस करेगा, एक तरीके से यहाँ पर एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत यहाँ पर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल, तो सब में एक कनेक्शन रहेगा यहाँ पर, खासकर मोटर व्हीकल से रिलेटेड आराम से यहाँ पर एक दूसरे की कंट्री में व्हीकल जा सकते हैं। देखिए सारी कंट्री यहाँ पर तैयार हैं, बांग्लादेश नेपाल और आप लोग बोल सकते हैं इंडिया पर, लेकिन जो भूटान है वो थोड़ी आनाकानी यहाँ पर कर रहा है, अब तक उसने इसको मतलब एक तरीके से रेक्टिफाई नहीं किया है, साइन तो कर दिया है पर लेकिन रेक्टिफाई जो करने के लिए क्या होता है वहाँ पर पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, उसने रेक्टिफाई नहीं किया, क्योंकि देखिए एक अगर आप भूटान के बारे में जानोगे तो एक पीस लविंग कंट्री है और यहाँ पर सब खुश रहना पसंद करते हैं और खासकर नेचर के साथ में मिलकर रहना पसंद करते हैं, तो अगर यहाँ पर व्हीकल से इस तरीके के बहुत सारे व्हीकल यहाँ पर जाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इनके जो एनवायरमेंट है उसका पोल्यूशन उसको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, और जो ट्रैक बनाया जाएगा इसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट यहाँ पर कटेंगे, तो इसलिए ये कुछ ना कुछ आनाकानी कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसको हो सकता है पार्टिसिपेट इसमें करें तो बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होने वाला है अगर पार्टिसिपेट कर पाते हैं तो। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट 2015 से ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 4 कंट्री है बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये योजना का आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जामिन करना है फेवर और अगेंस्ट में क्या क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, ओके। इसके अलावा आपका रिविजन का जो आज आप लोगों का आर्टिकल है यहाँ पर यह है पॉलिटिकल रिविजन चल रहा है और 18th लेक्चर है आज आप लोगों का, सारे लेक्चर के जो लिंक है नीचे आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं और जिसको डाउनलोड करना है वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट मैंने डिस्कस किया है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, तो आर्टिकल आप कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट खासकर फंडामेंटल राइट ये हो जाता है, तो फंडामेंटल राइट वाली यहाँ पर सीरीज चल रही है, काफी अच्छे से मैंने
मतलब कंप्लीट डिटेल में चीजों को यहाँ पर समझाया है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी निपटा दिया, जिससे कि आप लोग समझ सके कि आपके राइट क्या हैं हमारी कंट्री में, जो कि हमको प्रोवाइड कराए गए फंडामेंटल के बेस पर। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट क्या है हमारी कंट्री के, तो आप लोगों को पता चलेंगे सारे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें यहाँ पर, तो मार्च की आप लोगों की मैगजीन स्टार्ट हो गई है, जो कि कंप्लीटली बजट के बारे में है। तो बजट के अलावा कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के भी पॉइंट डिस्कस होंगे, तो वो भी मैं कवर करके चलूंगा। तो पूरी मैगजीन अच्छे से कवर करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। तो बात की जा रही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, जिसको बोलते हैं हम UBI। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में आप लोग थोड़ा सा इसके नाम से ही डेफिनेशन निकालना चाहें, तो सबसे पहले बात की गई है यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, बेसिक एक नीड है जो रिक्वायरमेंट और इनकम, तो सबके लिए एक बेसिक इनकम होना जरूरी है, चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो जॉब नहीं कर रहा है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में या किसी भी टाइम पर, तो कम से कम उसके पास में थोड़ी तो सैलरी हो। तो इसीलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जाती है हर एक सिटीजन के लिए। तो इसी के लिए देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहां पर काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहां पर है स्विट्जरलैंड में उनके सिटीजन से पूछा गया कि आप लोगों को बेसिक इनकम की जरूरत है, तो वहां के सिटीजन को ये बात पूछी गई कि तो देखिए एक ट्रक भरकर यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनकी करेंसी एक ग्राउंड में डाली गई, और वहां पर एक तरीके से प्रोटेस्ट के रूप में इसको देखा जा रहा था। मतलब पूछा गया क्या आप लोगों को बेसिक इनकम की जरूरत है, तो यहाँ के सिटीजन जो थे उन्होंने मना कर दिया। 76% आप लोग देख सकते हैं वोटिंग हुई यहाँ पर अगेंस्ट में कि बेसिक इनकम नहीं चाहिए। तो बेसिक इनकम यहाँ पर हम लोगों के लिए हम लोगों को निठल्ला बना देगी, हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग मतलब आलसी हो जाएंगे, काम करना छोड़ दें, क्योंकि हमको आराम से इनकम मिल जाएगी। तो बहुत सारे तर्क यहाँ पर निकल कर आए, पर लेकिन इसके बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जिनके फायदे भी इसके देखे जा रहे हैं। तो फेवर फॉर और अगेंस्ट की बात की जा रही है। अगर बात करें फोर्स की, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होगी, पुअर्टी और वनरेबिलिटी खत्म करेगा, ठीक है ना। इसके बाद में सिटीजन के पास में चॉइस रहेगी स्पेंड करने के लिए, और टारगेट किया जाएगा ढंग से, क्योंकि सब कुछ ट्रांसफर डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचेगा। एक तरीके का इंश्योरेंस यहां पर देखने को मिलेगा इसके तहत, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल एड देखने को मिलेगा। मतलब जो मान लीजिए किसी को कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको कम से कम पता रहेगा चाहे कोई सा भी मौसम हो चाहे कुछ भी हो, आप लोगों की जॉब नहीं जाएगी, यहां पर आप लोगों को एक बेसिक इनकम मिलती रहेगी, जिसमें आप अपना नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, और मोर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी साइड में जेंडर डिस्पैरिटी की बात की जा रही है, फिजिकल कॉस्ट निकल के आएगी, उसका कैसे किया जाएगा यहां पर, मतलब इतना ज्यादा खर्चा कहां से निकाल के लेके आएंगे, वैसे हम जो नॉर्मल स्कीम चला रहे हैं उनको ही हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कंस्पिक्यूअस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है कंस्पिक्यूअस स्पेंडिंग यहां पर देखने को मिल रही है, मतलब एक क्लियर स्पेंडिंग देखने को मिलेगी। मतलब सबसे बड़ी बात जो यहां पर निकल के आती है ना, जो ये जब डिस्कस किया जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, तो वो होता है कि मतलब आप लोग इंप्लीमेंट तो कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि बेसिक इनकम आप लोगों को देनी है 4-5 हज़ार जो भी आप लोग डिसाइड करें, पर लेकिन उसके लिए पैसा आएगा कहां से, ठीक है। आप लोग नॉर्मल जो स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वही आप लोग दे सकते हैं। और दूसरी बात ये बोली जाती है, इसका मतलब ये नहीं है आप लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो जो दूसरी स्कीम चलाई जा रही है उनको हटा देंगे, उसके पैरेलल में इनको चलाने की बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कई सारी तरीके की यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल अपोजिशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी मार्केट के रिस्क भी देखने को मिलेंगे, और जो लेबर है लेबर फोर्स भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं घट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब से मनरेगा चलाया गया है तब से आप लोगों को देखने को मिला जो दूसरे एरिया से दूसरे एरिया में काम करने जाते थे लोग वो बंद हो चुके हैं आज के डेट में, खासकर बिहार से या फिर दूसरे एरिया में करने के लिए, मतलब आप लोग समझ सकते हैं पंजाब या दूसरे एरिया में काम करने जाते थे, वो आज के डेट में बंद हो चुके हैं, क्योंकि इतनी वेज उनको अपने ही एरिया में मिल जा रही है। तो कहीं ना कहीं लेबर फोर्स का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्टार्ट कर दी जाती है। तो तीन यहां पर इसके कंपोनेंट है। सबसे पहले है यूनिवर्सलिटी, मतलब सबको मिलेगी, अनकंडीशनल मिलेगी, और एजेंसी भी रहेगी। यहां पर पैटर्नल एटीट्यूड नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ आपको पैसे देने हैं नहीं देने हैं। तो इस तरीके से यहां पर सब कुछ कवर कर चला जाएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत सबको, और अनकंडीशनल कोई कंडीशन नहीं रहेगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल सकती है। क्या बात बोली जा रही है देखिए, सबसे पहली अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो हमारे यहां पर पुअर्टी बहुत ज्यादा है। तो इसके अलावा आप लोग देखने को मिलता है पुअर्टी किसकी वजह से, मिस एलोकेशन देखने को मिलता है रिसोर्सेज का, जिसके पास में जो जाना चाहिए सब्सिडी वगैरह वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा जो बेनिफिशरी है, जो जेन्युइन बेनिफिशरी है, वो भी यहां पर एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, और लीकेज देखने को मिलता है सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आता है तो इन सब चीजों का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंसान जो भी बंदा रहेगा या जो भी सिटीजन रहेगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और यूनिवर्सल है तो हर एक के पास में कुछ ना कुछ मिनिमम रहेगा ही रहेगा, हर टाइम पे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है।
इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क की बात यहां पर की जा रही है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर कोई पुअर है तो, ठीक है। तो मतलब आप लोग कह सकते हैं जिस तरीके से मतलब अगर बेसिक इनकम रहेगी तो आदमी अपने आप को सिक्योर फील करेगा कि हाँ यार ये तो आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस तरीके से थोड़ा माइंड में सिक्योरिटी निकल के आती है। तो आप लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनका आप लोगों को आंसर देना है। सबसे पहले एग्जिट पोल के बारे में, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा अभी इलेक्शन हुए हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, तो एग्जिट पोल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पर क्या प्रोविजन है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, किस स्टेट ने हमारी कंट्री में सबसे पहले बनाया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन अभी हुए हैं तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड ही डाल दिए हैं। यहाँ पर जो लास्ट में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे वो इसके आंसर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था कौन कौन से को टारगेट किया जा रहा है एलिमिनेट करने के लिए, तो दो सही, यहाँ पर दो और तीन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर दो और तीन आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो दो और तीन की बात की जा रही है, ये सही है टारगेट यहाँ पर 2025 है, ना कि 2018 ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के बारे में बात किया जाता है, तो डलहौजी के द्वारा ये नीति स्टार्ट की गई थी हमारे जो यहाँ पर राजा रजवाड़े थे उनके राज्य को हड़पने के लिए, अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है, खुद का वारिस नहीं है, तो उसका राज्य हड़प लिया जाए, तो ये स्टार्ट की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट बात की गई है कॉम कासा, तो देखिए अगर आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता है तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो अगर आप लोगों को इसका भी पता है तो पता चल जाएगा यहाँ पर इंडिया और यूएसए के बीच में सेट किया गया है कि दोनों की जो मिलिट्रीज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन सिक्योर इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसलिए कई बार ये भी चीजें रहती है कि अगर आप लोग जानते हैं कि क्या है फुल फॉर्म वगैरह तो आप लोग आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के बारे में जाना, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने देखा योजना में यूनिवर्सल बेसिक इनकम और ये एग्जांपल वगैरह हम लोगों ने देखे है। इसके बाद में आप लोगों के लिए क्वेश्चन और ये रिवीजन का पॉलिटी का पार्ट था, ये आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, सारे आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। आगे यहाँ पर चलते हैं तो आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, इंडेक्स वगैरह भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद में हम लोगों को जानने को मिला जो बैम्बो के बारे में, किस तरीके से उसको जो फॉरेस्ट में जो ट्री का है वहां पर उसको रख के और जो नॉन फॉरेस्ट में ट्री का दर्जा उसका हटाया जा रहा है, यूज क्या है वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जाना ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में और उसके सारे प्रोविजन जाने। इसके बाद में हम लोगों ने ब्लड बैंक के बारे में जाना और कितना यहाँ पर जरूरत है और वर्ल्ड बैंक का क्या नॉर्म्स है। यहाँ पर नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी के बारे में जाना और कुपोषण मुक्त भारत को हम लोगों ने देखा यहाँ पर। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017, हमारी रैंक यहाँ पर आ गई है 127 कंट्री में, जो कि पहले 66 हुआ करती थी। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर देखा किस तरीके से बच्चों का वेट रिड्यूस करने की बात की जा रही है उनके बैग का। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जाना बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन करने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा यहाँ मैप वगैरह देखा, इसके बाद में ये क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, ये इसके आंसर्स वगैरह। और आज के लिए इतना ही, देखिए लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चीजों को फेसबुक वगैरह पे शेयर भी कर दिया कीजिए जिससे कि सबको फायदा हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।